थैंक यू बाबा जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हर्ष का बर्थडे और बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही यूनिक से तरीके से। तो आप देखिएगा पूरा व्लॉग। तो मैं आपको बर्थडे बॉय से मिलवाऊंगी। तो चलिए अभी बर्थडे करेंगे सेलिब्रेट। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ रात को जो 12 बजे बच्चों ने कहा है कि मम्मा इसके साथ केक कटवाएंगे हर्ष को, तो यहाँ केक के लिए हर्ष को बिल्कुल साफ बना कर दिया है। तो मैं बना ली हूँ उसके लिए स्वीट डेजर्ट और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आइसक्रीम और जो केक है उसके बीच का बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसीलिए मैं ब्रेड से डेजर्ट बना रही हूँ। तो मैंने ब्रेड के जो किनारे हैं वो निकाल लिए हैं और उनको देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। तवे पर मैंने उनको अच्छे से सेक लिया है। और मैंने यहाँ एक तरफ चाशनी बना ली थी और एक गिलास दूध में थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ा सा कस्टर्ड में डालकर एक चम्मच इसको अच्छे से उबाल लूँगी और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ये दूध। और गाढ़ा हो जाने के बाद मैं जो हमारी जो ब्रेड हैं ब्रेड को मैं अच्छे से सॉफ्ट करके चाशनी में फिर हम उसको वो करेंगे। तो डेजर्ट में मैंने डाल दिया है मीठा, और मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे चलाते हुए गाढ़ा करते हुए इसको ठंडा करके हम फ्रीज में रख लेंगे। और मैंने यहाँ रख ले लिए हैं 3 ओरियो के बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं ओरियो के अलावा भी। और इनको अच्छे से दरदरा दरदरा कूट लेंगे। और मैं यहाँ चॉकलेट की जगह ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जो क्रंचीनेस आएगा ओरियो का वो काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो ये हमने ओरियो बिस्किट अच्छे से क्रीम के साथ ही इनको अच्छे से कूट लिया है। और ये हमारा जो कस्टर्ड का दूध है ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। और यहाँ मैंने 2 लेयर्स लगानी है, तो मैंने 1 लेयर्स यहाँ लगा दी है और ऊपर से डाल दी है मैंने चाशनी, और ऊपर से डाल रही हूँ मैं ओरियो के कूटे हुए बिस्किट, और अभी डाल रही हूँ कस्टर्ड वाला दूध। और ऐसे ही मैं दूसरी लेयर भी लगाऊंगी। और अभी डालूंगी मैं नारियल का बुरादा। अगर आपकी इच्छा है तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने दूसरी लेयर भी स्टार्ट कर दी लगानी। और ऐसे ही हम आप इसमें 2-3 जितनी भी लेयर आप इसमें डाल सकते हैं, आपका इच्छा है आप डालना चाहे डाल सकते हैं। और हमारा डेजर्ट बनकर तैयार है, इसको फ्रीज में रख देंगे। उठो बेटा, उल्लू वगैरह करता नहीं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे हर्ष। हैप्पी बर्थडे हर्ष। नहीं, स्लो स्लो उठ रहे हैं सारे। केक काट भाई, क्या कर रहे तुम? ले केक काट कर ना करो। नींद में तो कट भी नहीं रहा इनसे। ज्यादा ही कट गया। ले ज़्यादा टाइट है भाई। अब कर दो, जितना करता है उतना ही कर दो। ओह ओह भाई, टेस्टी टेस्टी केक बनाया घर पे। चम्मच से निकाल लो ना। और वाह, मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न शो डाले। भाई मेरी मोटू छोटू मोटू भी आग बंद बंद करके खाया जाओ, पापा ड्यूटी से आएंगे अभी। फिर हर्ष पापा को खिलाओ। चलो पैर छू के आशीर्वाद लो। चलो बेटा, क्या करे वहीं से फॉर्मेलिटी। और यहाँ बच्चों ने दिन में पाइप लगा कर ऐसे मस्ती की,
तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं कर लो मस्ती। तो यहाँ गुड्डू को मैंने बोला कि बेटा भाई के हर्ष के लिए थोड़ा सा बनाना शेक बना दे, तो उसने स्ट्रॉबेरी और बनाना को ही मिक्स करके दे बना दिया। लेकिन एक बात है कि हर्ष को अच्छा लगा, उसने पी लिया उस जूस को। तीनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छे से पिया है, दोनों तीनों ने काफ़ी खुश होकर पिया ये वाला जूस। कैसा? ये हर्ष का गिफ्ट है और यहाँ हर्ष की जो बहन है शिवानी उसकी शोल कर रही है, हमारे में शोल बोलते हैं, उसका टिक्का लगा रही है। तो उससे कहते हैं कि भाई परमात्मा अच्छे से चले साइकिल। क्या मिला है इधर को? कितने खुश हो रहे हैं। किस चीज़ के? साइकिल के शोल कराएगी। हाँ हर्ष। हाँ आपको कैसा लग रहा है आपकी गेयर वाली साइकिल आने? बहुत अच्छा। मेरे पास तो दो दो साइकिलें होगी, एक गेयर वाली होगी एक नॉर्मल होगी। जब मेरा मन करेगा नॉर्मल चलाऊंगा, जब नॉर्मल चलाऊंगा तब मेरा गेयर चलाने का मन करेगा तब गेयर वाली चलाऊंगा। कैसी लगी साइकिल आपको? बहुत ज्यादा बढ़िया। थैंक यू भाई। और यहाँ मैं और सीनू लगे हुए हैं थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए, और हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल सा ही डेकोरेट किया था हमने। थोड़े से बलून्स थे और बस एक ये माला बोल दो इसको, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये थी हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था इसके ऊपर। और हम लेने तो गए थे वो बड़े वाले बलून, लेकिन वो नहीं मिले, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इसी से डेकोरेट कर लेंगे आगे फिर कभी सही। तो फिर हमने सिंपल सा ही ऐसे डेकोरेट कर लिया था इसको, और सीनू ने मेरी काफ़ी हेल्प की। और ऐसे ही बस हर्ष बहुत ज़्यादा खुश था इस दिन, वो कह रहा था कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तो फिर हमने ऐसे ही बस ये बड़ा वाला बलून लेके आए थे, तो इसमें जो गोलियां वगैरह थर्माकोल की होती हैं वही सब डाल के इसके अंदर हमने, क्योंकि बलून फुलाते हुए काफ़ी बलून हमारे फूट गए थे, तो सीनू कहने लगी कि मम्मा इसको ज़्यादा मत फुलाओ, कभी ये भी फूट जाए अभी। तो मैं कहा चलो इसको हल्का सा ही फुला देते हैं, ज़्यादा फुलाने की क्या ज़रूरत है। तो अभी हम इसको अच्छे से चिपका लेते हैं और कर लेते हैं, और हमने बिल्कुल अच्छे से इसको किया। तो तब गुड्डू आई तो बाहर से, तो कहने लगी कि बोले मम्मा ये तो बिल्कुल आपने बाहर की तरह ही डेकोरेट कर दिया है। मैं कह नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने बस सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया था, बच्चे काफ़ी खुश थे। और हमने ये पंखे के ऊपर लटका दिया था, इससे देखिए सब्र ही नहीं हो रहा है ये मम्मी पापा ना जलाएं, ये अपने आप ही जलाने लग गया है अपनी मोमबत्ती। लीजिए हो गया है बर्थडे सेलिब्रेट, केक कटिंग हो गई है। लीजिए फ्रेंड्स आप भी आजिए और खा लीजिए केक, तो बहुत टेस्टी केक है और बच्चे बहुत खुश हैं, हर्ष बहुत खुश है, बर्थडे गिफ्ट को लेके भी बहुत खुश है और बहुत मज़ा आया। तो ये देखिए बच्चों ने कितनी मस्ती की है, बच्चों का तो कहना ही क्या है, बच्चे मस्ती इतनी करते हैं। ये देखिए अपने आप ही बलून अपने फोड़ दिए हैं। तो अभी यहाँ मैं प्रसाद भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, तो हर्ष को बोल रही हूँ चलो आप भी आशीर्वाद ले लो। तो अभी हम यहाँ जो चसा देंगे और आशीर्वाद दिला देंगे, और भगवान जी से आशीर्वाद लेने के बाद ये माँ बाप से आशीर्वाद ले रहा है, परमात्मा इसकी मनोकामना सारी पूरी करे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे व्लॉग को ज़रूर पूरा देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, तो बस का व्लॉग भी आपको पूरा मिले। तो ये हम पहुँच गए हैं और यहाँ बच्चों ने कुछ ऑर्डर किया है,
तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है बच्चों की। ये कुछ स्नैक्स मंगवाया है। और अभी साथ ही वो भी फ्रेंड्स हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम मंगवाएंगे आइसक्रीम्स। तो आइसक्रीम ये लीजिए, ये है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं, खाना पीना खा पी के हमारा खाना पीना हो गया है। तो बेटे का बर्थडे जो है बहुत अच्छा बना है और सभी फैमिली अच्छी खुश है। और हर्ष तो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका बर्थडे ऐसे बना है। और एक उसको हमने गिफ्ट दिया है, वो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था उस चीज़ का। और आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि हमने उसको क्या दिया है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।